हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंदिरत्ता। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री। उससे पहले जो जो टॉपिक्स अभी मैंने कवर कर लिए, एक बार उसके बारे में ब्रीफली बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ट्रीज में किया था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बताया था कि ट्रीज किस टाइप के होते हैं, ट्रीज में क्या क्या टाइप्स होती हैं, और ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, ट्रीज की टर्म्स डिस्कस की थी। उसके बाद हमने किया था डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्री ऑर्डर क्या होता है, फिर आपको बताया था कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने किया था लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल किया था BFS, और हमने साथ ही किया था ZigZag, ठीक है। तो हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की वेरिएशंस भी देखी थी कि चार तरह के क्वेश्चन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल से बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया था वर्टिकल एंड डायगनल ट्रेवर्सल, ठीक है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि मैं शुरू से ट्रीज करा रहा हूँ, तो अभी उस सीरीज में फिफ्थ टॉपिक है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हाइट होता क्या है, ठीक है। हाइट के क्वेश्चन में ना कई बार काफी कंफ्यूजन होती है लोगों की, क्योंकि हाइट देखते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि हाइट इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लेवल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये ट्री है, ये ट्री का लेवल 0 है, ठीक है। ये ट्री का लेवल 1 है, ये ट्री का लेवल 2 है, ये ट्री का लेवल 3 है, और ये ट्री का लेवल 4 है, ठीक। तो कई डिफाइन करते हैं हाइट इक्वल्स टू लेवल ऑफ डीपेस्ट नोड, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास हाइट क्या आएगी, 4, डीपेस्ट नोड क्या 7, ठीक है। उस केस में हाइट आएगी 4, ठीक है। बट कई डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, जब हम रूट से जा रहे हैं बीच में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं टू द डीपेस्ट नोड, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। या कह दो कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, ठीक है। हाइट इक्वल्स टू टोटल लेवल्स, तो ये 5, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये यूज किया हुआ है, कई बुक्स में हाइट को ऐसे भी डिफाइन किया है, ठीक है। बट हम इसी को कंसिडर करेंगे, हाइट इक्वल्स टू टोटल लेवल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी हाइट, मतलब कोई भी ट्री का क्वेश्चन हो तो उसे अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो मैं ये चार पॉइंट्स आपको बताए थे कि कोई भी चीज हो ट्री के क्वेश्चन में, ठीक है, आपको ये चार चीजों के बारे में सोचना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस ट्री की हाइट तो 5 है, अब देखना है हमें 5 आएगा कैसे, ठीक है। सबसे पहली चीज, डिसीजन एट ए नोड। हम फर्स्ट नोड लेते हैं, रूट नोड, ठीक है। इसका मैं लेफ्ट बना लेता हूँ राइट, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक नोड के बारे में सोचने क्या हो रहा है, क्यों। अगर मेरे को पता है कि इस नोड पे क्या होगा, वही सेम चीज इस नोड पे होगी, क्योंकि ये भी एक ट्री है 2 से विद रूट 2, ठीक है। ये भी एक ट्री है विद रूट 5, ठीक है। तो मेरे को क्या है कि रिकर्सिवली सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम। उसके लिए क्या है कि मेरे को सिर्फ एक नोड पे चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो, मेरे को ये पूरा ट्री है, इसको रिटर्न क्या करनी है, हाइट, ठीक है। अब क्या कि अगर ये ट्री रिटर्न हाइट कर रहा है, तो ये भी तो एक ट्री है, ठीक है। तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, हाइट, ठीक है। तो ये इसे हम कह देते हैं लेफ्ट हाइट, ठीक है। ये भी एक ट्री है, ये भी क्या रिटर्न करेगा, हाइट। इसे हम कह देते हैं राइट हाइट, ठीक है। अब अगर मेरे को लेफ्ट की हाइट पता है, राइट की हाइट पता है, तो मैं क्या कि पूरे ट्री की हाइट निकाल सकता हूँ, हाँ जरूर निकाल सकता हूँ। हम देख लेंगे कि देखो, लेफ्ट में देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, ये जो लेफ्ट ट्री है इसकी हाइट कितनी है, 4। ये जो राइट ट्री है इसकी हाइट कितनी है मेरे पास, 3, ठीक है। अब क्या है कि जिसकी हाइट ज्यादा है उधर ही होगा डीपेस्ट नोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमारे पास हाइट फंक्शन है, हाइट ऑफ रूट, ठीक है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन है हाइट ऑफ नोड स्टार रूट, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हम रिटर्न टाइप पाएंगे। अभी देखो, हाइट को हमें रिटर्न करने के रेफरेंस से पास करना है। इधर देखो, एक ही चीज है, ठीक है, और क्या कि हम हाइट उसको मतलब रिटर्न कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू ए रेफरेंस, ठीक है, सीधे ही। तो इसकी रिटर्न टाइप आ जाएगी इंट, रिटर्न टाइप हो गया। अब रेफरेंस से कुछ पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न टाइप हो गया। अब मैंने क्या कहा था, हाइट ऑफ रूट की निकाली है, मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए, मेरे को लेफ्ट की हाइट पता चाहिए और राइट की हाइट, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न 1 प्लस मैक्स ऑफ, ठीक है, जिसकी हाइट बड़ी है दोनों में से उसमें एक ऐड कर दो तो वो मेरी हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न 1 प्लस मैक्स ऑफ, इधर क्या आ जाएगा, हाइट, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री,
है, ये चीज होगी, एक ही चीज है। ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास एक ही नोड है, जैसे मेरे पास एक ही नोड है वन, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी? वन। ठीक है। इसके लेफ्ट पे क्या है? नल है। राइट पे क्या है कि नल है, ठीक है। तो देखो अगर नल है तो मेरे को सिंपली उसे रिटर्न कर देना जीरो, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा था, वन प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब यह है कि इसको मेरे को वन के इक्वल करना है, ठीक है, एक नोड की हाइट को मेरे को वन के इक्वल करना है, तो वन वन दोनों साइड से कट गया, तो ये चीज होगी जीरो पे, मतलब लेफ्ट भी रिटर्न करेगा जीरो, राइट भी रिटर्न करेगा जीरो, ठीक है। तो मेरे पास कंडीशन क्या बनी कि अगर कोई रूट नहीं है, नल है, तो वो रिटर्न करेगा जीरो, ठीक है। इफ देर इज नो रूट देन रिटर्न जीरो। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, दो लाइंस में आपका हाइट का क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बेस कंडीशन भी कर ली हमने, डिसीजन एट ए नोड भी कर लिया, ठीक है। तो ये थी हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री। एक बार इसको इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है। अब देखो सबसे पहले लेफ्ट पे जाएगा, फिर लेफ्ट पे फोर क्या रिटर्न करेगा? वन, ठीक है। अब टू है, टू के राइट पे जाएगा फाइव, फाइव के लेफ्ट में क्या है? जीरो। फाइव के राइट पे क्या है? सिक्स। सिक्स के लेफ्ट पे क्या है? सेवन, ठीक है। तो सेवन सबसे पहले रिटर्न करेगा वन, ठीक है। सिक्स क्या रिटर्न करेगा? लेफ्ट पे हाइट वन है, राइट पे हाइट जीरो है, सिक्स क्या रिटर्न करेगा? टू, ठीक है। अब फाइव पे देखो, लेफ्ट वाला जीरो है, राइट वाला टू है, फाइव क्या रिटर्न करेगा? थ्री, ठीक है। अब टू क्या रिटर्न करेगा? लेफ्ट और राइट में से बड़ा कौन सा है? थ्री। तो टू ने क्या रिटर्न कर दिया? फोर, ठीक है। अब राइट सब ट्री में आ जाओ, राइट सब ट्री में थ्री क्या रिटर्न करेगा? जीरो और मैक्सिमम ऑफ राइट, राइट में जाएगा। एट क्या रिटर्न करेगा? जीरो और मैक्सिमम ऑफ राइट। नाइन क्या रिटर्न करेगा? वन, ठीक है। एट क्या रिटर्न करेगा? जीरो और वन में से मैक्सिमम वन प्लस वन, टू, ठीक है। थ्री क्या रिटर्न करेगा? थ्री, ठीक है। तो वन पे मेरे पास क्या बच गया? लेफ्ट पे हाइट है फोर, राइट पे हाइट है वन, तो क्या बनेगा? वन प्लस मैक्स ऑफ फोर एंड वन, और सॉरी फोर एंड थ्री, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया? फाइव, ठीक है। तो ये था हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री, बहुत इजी था, दो स्टेप्स में हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि हमें बताना है कि ट्री बैलेंस है कि नहीं, हमें डायमीटर फाइंड करना है, हमें टोटल साइज फाइंड करना है ट्री का, ठीक है। वो सब अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। मिलके पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।